बूम थोड़ा नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे हाँ नीचे ही पकड़ो जरा, थोड़ा नीचे पकड़ो, कैमरे में देखना, ये कैमरे में ये नीचे कर रहे शादाब, शादाब नीचे करना है यार। आपका नाम क्या है शाहरुख खान के लिए? मेरा नाम दीपाली है, मैं शाहरुख खान सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं मराठी भी हूँ, लेकिन मैंने शाहरुख खान की हर मूवी देखी है, डॉन, बाजीगर, माय नेम इज खान, देवदास, ओ माय गॉड, आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान और मैं एक एक्टर भी हूँ, आई एम राइट नाउ अ स्ट्रगलिंग एक्टर और शाहरुख खान सर को देख देख के मैं सीखती हूँ। हैप्पी बर्थडे शाहरुख सर, यू आर द किंग ऑफ द बॉलीवुड सर। अभी बीच में आर्यन खान को लेकर आप सुन रहे हैं, खबरें बहुत चर्चा हो रही थी, अभी छुटके भी आ गए हो, क्या कहने का मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये शाहरुख खान का अपना कभी बर्थडे है? 2 नवंबर। हाँ 2 नवंबर 2 तारीख को। आर्यन खान का क्या है? कितने बजे? अभी 12 बजे की बात है। अरे आप मुझे इंटरव्यू मतलब 12 बजे की बात है? रुकिए मतलब 12 बजे की बात है सर, रुकिए रुकिए, इधर आ रहा है अभी आर्यन खान का बर्थडे, कौन आदमी आ गया बच्चे बीच, इधर आ जाओ, बोल तू बोल, सादा पूछ, ये बोलिए दोबारा दे, मैं इतना ही बोलूंगी कि हर किसी के लाइफ में सुख दुख आता रहता है और शाहरुख खान सर तो हमारे किंग है, आई डोंट थिंक आर्यन ने से कुछ किया भी होगा, किसी को जज नहीं करना चाहिए। और डायलॉग, ओ माय गॉड, इतने सारे डायलॉग है, मैं डायलॉग कौन सा बोलूं? एक कोई तो डायलॉग बोल दो। मेरा फेवरेट एक ही है, ओम शांति ओम से, लाइक इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की मैंने कोशिश की है कि हर जरिए ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि दुनिया में किसी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की चाहत में लग जाती है, तो शाहरुख जी की मैं यही लाइन बोलूंगी, इसीलिए शाहरुख सर हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। चलो चलो, तो क्या चीज़ देना चाहिए? अरे अभी क्या बोलो यार, शाहरुख भाई की बहुत बेकार दिन आए अभी, और लड़की को पकड़ा वगैरह सब ये गलत हुआ है, इसलिए वो आज आएंगे कि नहीं ये भी डाउटफुल है, पर हम लोग आस लगा के आए कि आज आएंगे रात में आ जाए और हाथ वगैरह भी दिखाएंगे हम लोग को, हम बहुत बड़े फैन हैं, हम विरार से चल के आए सर को मिलने के लिए, कल भी है, कल 2 तारीख है, कल हो सकता है दोपहर में, बर्थडे कल है ना, तो मेरे को जानकारी है, मतलब मैं 9 साल से सर के इधर, मतलब 9 साल से बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, तो मैं मतलब अभी से पहले 9 साल तक मैं आता था डेली, तो शाम को ही आते हैं, दोपहर को तो नहीं आते, तो शाम को दुआ करते हैं अल्लाह, तो मतलब दुआ करते हैं कि एक झलक दिखाए, झलक दिखाए और उनके ऊपर जो मुसीबत है वो दूर हो जाए। थैंक यू। ये मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से आया हूँ और शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और आर्यन भाई के आने की खुशी में हम लोग सब उत्साहित हैं और पूरे हम लोग और भी दोस्त हमारे सब साथ में हम लोग मिलने के लिए आए हैं और साथ ही आने के बाद मुझे पता भी चला, यहाँ आने के बाद ही पता चला कि कल उनका बर्थडे है, तो हमारी खुशी दोहरी हो गई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा मैं यही कामना करूँगा कि अच्छा जो भी हो अच्छा हो। नहीं इससे पहले मुझे जानकारी, यहाँ आने के बाद ही मुझे जानकारी हो गई और मैं आर्यन भाई के आने की खुशी में मैं आया हूँ भैया, परसों दिन मैं गाड़ी से निकला हूँ और आज मेरी मैं आज पहुँच जाऊँ, मेरा रहने वाला जयपुर का और मैं बस उनको एक झलक पाने के लिए आया था, उस दिन भी देखा तो नहीं मिले और रात भी देखा तो नहीं मिले, जाना जा रहा है कि आ जाएगा, आ जाने का उम्मीद है। तो आप लोग कब तक रुकने वाले हो यहाँ पर? 12 बजे तक, कल भी आ सकते हो चाहे तो दोपहर में 4 बजे। नहीं वो उसका बर्थडे तो 2 तारीख पे है ना, आज 1 तारीख है तो अभी 2 तारीख लगने आ रहा है ना, 12 बजे के बाद ही आता है ना, तो इसी वजह से हम लोग को लगा आज आएंगे, उस दिन नहीं आ पाए थे, उस दिन से छुट्टे आते अभी कल उनके लोग के, तो उसमें बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, बहुत बड़ा दिन है, दिवाली गिफ्ट है, बहुत अच्छा है, मुझे घर आ गिफ्ट लग गया
शाहरुख सर को हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। खुशी है काफी मन में बहुत ज्यादा, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। और गले तो कुसा दो। वो हर साल आते हैं, मन्नत पे आते हैं हर साल, तो मेरा भी काफी मन किया आने का, तो आज मैं भी उनको पहली बार देखने आया हूँ। मैं भी मैं वैसे पंजाब से हूँ, मैनू पंजाबी पूरी आती है, पंजाब तो स्पेशल मैं उन्होंने देखने आया, तो मैं चाहूँगा कि उन्होंने बड़े इन्ना खुश रह जाए। पुलिस बहुत ज्यादा बर्थडे भी है, तो क्या कहना चाहिए, क्या वीश देना चाहिए? शाहरुख खान का बर्थडे है, बहुत बहुत बधाई हो उनको बर्थडे का। शाहरुख खान के मतलब इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है कि जिससे वो बर्थडे नहीं मना रहे हैं। अब दिवाली भी है साथ में, दिवाली भी है साथ में, अब बोला नहीं जा सकता। अभी देखिए इतने पुलिस प्रोडक्शन किया हुआ है कि मतलब पब्लिक ना जमा हो, कोरोना का समय है, इसलिए वो बर्थडे नहीं मना रहे, जिसके मतलब उनके बच्चों के प्रॉब्लम के वजह से बर्थडे नहीं मना रहा। और सारे फैन लोग चाहते हैं कि बर्थडे मनाए या तो बाहर आके हाथ दिखाए, जो हर साल पहले की तरह दिखाते थे लेकिन प्रॉब्लम के वजह से वो